फिर आमने सामने आए रामेश्वर शर्मा और दिग्विजय सिंह। मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा के शो को लेकर ठनी। दिग्विजय ने ट्वीट कर दोनों को किया था आमंत्रित। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा को चेतावनी दी है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना बंद करें। ऐसे हिंदू विरोधियों का शो प्रदेश में तो क्या, देश भर में नहीं होने दिया जाएगा। रामेश्वर ने दिग्विजय को जिन्ना का नया अवतार बताया। सोमवार की सुबह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था और इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में आकर शो करने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि इसमें विषय दिग्विजय सिंह रखा जाए, शो का दिनांक और समय तय करके उन्हें बता दिया जाए। दिग्विजय के ट्वीट को लेकर बीजेपी के विधायक और कट्टर हिंदू नेता रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जो लोग श्री राम और माता सीता का अपमान करते हैं, ऐसे किसी भी राष्ट्र विरोधी या हिंदू विरोधी का शो मध्य प्रदेश में तो क्या, देश भर में कहीं भी नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर बुलाकर बिरयानी खिलाने की चाहत रखते हैं, तो क्या वह भी स्वीकार कर ली जाएगी। रामेश्वर ने कहा कि दिग्विजय सिंह पर तो पागलपंती का दौरा चढ़ा है, हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। रामेश्वर ने कहा कि दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पगला गए हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को अगर पागलपंती का दौर चढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट कर ले। दिग्विजय सिंह तो कल पाकिस्तान के आतंकवादियों को बुलाकर घर के निमंत्रण पर बिरयानी खिलाना चाहते हैं। क्या हम पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में आके आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की अनुमति देंगे? दिग्विजय सिंह जी, आप पगला गए, राहुल गांधी जी पगला गए या पूरी कांग्रेस पगला गई? ये हिंदू और हिंदुत्व और राम को काल्पनिक बताकर क्या कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? क्या आप जो है मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा को बुलाकर राम और सीता का अपमान कराना चाहते हैं? और हिंदुस्तान ये अपमान बर्दाश्त कर लेगा? हमने औरंगजेब से भी लड़ाई लड़ी है, हमने बाबर से भी लड़ी है, हमने हुमायूं से भी लड़ी है, हमने अकबर से भी लड़ी है। और दिग्विजय सिंह, तुम जैसे लोग हिंदुस्तान में जो नए जिन्ना के रूप में अवतरित हो रहे हो, जो हिंदू मुसलमान के बीच में रोज खाई डालने का काम कर रहे हो, रोज आग लगाने का काम कर रहे हो, अरे मजाक तो तुम्हारा देश उड़ा ही चुका है और मजाक के पात्र तुम बन ही चुके हो। फिर भी दिग्विजय सिंह जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सुधर जाओ, संभल जाओ। राम का अपमान करोगे तो ये देश तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा, कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान में देवी देवताओं का अपमान किया तो मध्य प्रदेश तो छोड़, किसी भी प्रदेश में तुम्हारा शो नहीं होगा। देशभक्त उठेंगे, अपने देवी देवताओं का सम्मान करेंगे और तुम्हारे मुंह पर तमाचा जड़ेंगे। दिग्विजय सिंह, कुणाल कामरा और मुनव्वर को बुलाकर भगवान राम और माता सीता का अपमान करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। रामेश्वर ने दिग्विजय को जिन्ना का नया अवतार बताया, जो रोज हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। रामेश्वर ने कहा कि दिग्विजय का मजाक देश उड़ा ही चुका है और यह मजाक के पात्र भी बन चुके हैं, लेकिन मेरा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अभी भी सुधर जाएं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।